हेलो दोस्तों, दिस इज नेम फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। और बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे असाइनमेंट को लेकर स्पेशली, और मेन बात ये कि हमारी चैनल की तरफ से कोई भी असाइनमेंट की वीडियो अभी तक नहीं बनी थी, स्पेशली असाइनमेंट की गाइडलाइंस को लेके। उसकी वजह ये थी कि अभी तक असाइनमेंट की गाइडलाइंस क्लियर नहीं हुई थी और हम लोग नहीं चाहते थे किसी भी तरह के अजम्पशन के लेके हम लोग आपके लिए वीडियो बनाए जिससे आप लोग और ज्यादा परेशान हो जाए। तो इसलिए अब गाइडलाइंस आ चुकी है, उन गाइडलाइंस में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, जिन बच्चों को असाइनमेंट देना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी लोग चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत तरह के क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चन पे विराम लगाने की इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के थे और उनके सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हैं, तो उनके दो सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के चार पेपर होने हैं आपके और सेकंड सेमेस्टर के भी आपके चार पेपर होने हैं। अभी पेपर तो हो नहीं रहे, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के चार असाइनमेंट, सेकंड सेमेस्टर के चार असाइनमेंट, यानी टोटल आठ असाइनमेंट आपको बना के देने हैं। अब मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूं, तो भाई कोई भी कोर्स हो, चाहे बीकॉम से हो, बीकॉम ऑनर्स से हो, बीए ऑनर्स से हो, चाहे बीए से हो, या फिर आपको बीए इंग्लिश या पॉलिटिकल साइंस, आप किसी से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको आठ सब्जेक्ट पे असाइनमेंट बना के देने हैं, यानी फर्स्ट सेम के भी और सेकंड सेम के भी। जो बच्चे सेकंड ईयर में उनके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग, आपको उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको अपने असाइनमेंट बना के देने। तो भी करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक असाइनमेंट का पेज ओपन है, आप लोग देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आई है ये वही नोटिफिकेशन है, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, मैंने यहीं पे आपको दिखा दिया है क्लियरली कि क्या नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन इज मिंट फॉर द एसओएल स्टूडेंट, यानी कि जो असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूएशन है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है, इसके अलावा बाकी बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपको सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपके सामने हो सकता है तीन आए, चार आए, आई डोंट नो, हो सकता है दो ही आए, बट आपको सिर्फ दो के ही आंसर देने हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। अब आप मेरे से पूछेंगे सर असाइनमेंट के आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ गाइडलाइन में कुछ मेंशन नहीं है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, बट फिर भी मेरे हिसाब से, अगर मेरे तजुर्बे से आप मानो, तो कम से कम छह पेज आप लिख के आना एक असाइनमेंट के आंसर के ऊपर। छह पेज का मतलब है एक आगे देन पीछे दूसरा, देन एक आगे देन पीछे दूसरा, तो इस तरह से टोटल ऐसे तीन पेज हो गए, बट वैसे अगर गिनोगे आप तो छह पेज बनते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन के छह पेज तो आप लिख के आना। और सिंपल सी बात है, ये जो असाइनमेंट है तो आपको घर पे करना है, तो बहुत सारी बुक्स होंगी जहां से आप बहुत सारी चीजों को एड ऑन कर सकते हैं, अच्छे से अपने आंसर को बना के लिखना ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके। तीसरा पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, हर क्वेश्चन को बराबर मार्क मिलेगा, यानी सपोज अगर एक क्वेश्चन आपका 50 नंबर का है तो दूसरा भी 50 का माना जाएगा, ठीक है, 10 का है तो दूसरा भी 10 का माना जाएगा, इस तरह से आपका काम होगा। ओके, देन आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं द क्वेश्चन पेपर फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन विल बी डाउनलोडेड, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो कहां से डाउनलोड करना होगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एसओएल की वेबसाइट से। एसओएल की वेबसाइट क्या, सब लोगों को पता है, sol.du.ac.in, वहां से आप लोग लॉगिन करेंगे स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाके, और वहां पे आपको असाइनमेंट दिख जाएंगे, उस असाइनमेंट के पेपर को आप डाउनलोड कर लेंगे, और आपको अच्छा खासा समय दिया गया है, उस समय के हिसाब से आप लोग अपने पेपर को करके आप बाद में अपलोड कर सकते हैं उसी स्टूडेंट डैशबोर्ड पर, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप अपने इंटरनेट कैफे पे जा सकते हैं और उससे कह के आप डाउनलोड करवा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देन पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट कह रहे हैं कि भाई जो आंसर आप लिखने वाले हो वो A4 साइज की शीट पर लिखना, ठीक है भाई, तो A4 साइज हम लोगों को पता है, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, जो फोटोकॉपी वाली शीट आती है उसका इस्तेमाल करना। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप लाइन वाली में बेटर लिख सकते हैं तो लाइन वाली में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लाइन वाली शीट पे लिखिए, लेकिन यहां पर लिखा गया कि कोशिश कीजिए कि पेपर के एक साइड पे लिखिए, आप दूसरी साइड पर ना लिखिए। इसकी वजह यह है कि कई बार क्या होता है, जब स्कैनिंग करते हैं फोटो खींचने, तो पीछे के जो अक्षर होते हैं वो भी आगे दिखने लग जाते हैं, तो पेपर चेकर को दिक्कत हो सकती है इस चीज को लेके, तो आप लोग एक ही साइड लिखें तो ज्यादा बेटर समझा जा सकता है उसको। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप दोनों साइड भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, फोटो भी दोनों की अलग अलग खींचने वाली है, बट यहाँ पर लिखा है प्रेफरेबली यही है कि आप एक साइड लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करना यार एक साइड ही लिखो, बेटर रहेगा।
देन इन्होंने लिखा कि जो भी आप आंसर लिखोगे उसे ब्लू और ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो, रेड का तो बिल्कुल भी यूज मत करना, वो टीचर्स के लिए होता है, ग्रीन पेन जो होता है प्रिंसिपल के लिए होता है, तो आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। जहां आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देन यहां पर लिखा है कि आपने एक सवाल आपका बहुत ज्यादा आ रहा था कि भाई हम आंसर शीट पे क्या क्या लिखना है, तो मैं क्लियरली बता देता हूं, ध्यान से सुनो। आपको लिखना है एसओएल का रोल नंबर, आपको लिखना है एसओएल का रोल नंबर अपना। देन आप लिखोगे एग्जामिनेशन रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर कहां मिलेगा आपको, जो एडमिट कार्ड होगा या होल टिकट जो आपका होगा उस पर लिखा हुआ होगा आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, वहां से वहां लिख देना। देन आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसका नाम लिखना, पेपर का एक कोड होता है जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा वो कोड वहां लिख देना एज इट इज, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। इसके अलावा पेपर पे नंबरिंग कर देना भाई साहब, वरना कंफ्यूज हो जाएगा टीचर भी और आप भी कि पहले कौन सी शीट आती है देन कौन सी शीट आती है, तो हर पेपर पे नंबर कर देना और हर पेपर के ऊपर अपना साइन जरूर कर देना ताकि कोई दूसरा बच्चा उसे कॉपी ना कर पाए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूं, नोट कर ली होंगी, आपने नोट नहीं की तो बैक जाके दोबारा से देख लीजिए। देन उसके बाद आठवां पॉइंट क्या है, आठवां पॉइंट ये है भाई कि आपको अपनी आंसर शीट जो है वो पीडीएफ में अपलोड करनी है। देखिए इसके लिए बहुत सारे ऐप है मार्केट के अंदर, एक चाइनीज ऐप भी है कैम स्कैनर नाम की जो ज्यादा फेमस है, आप लोग चाहें तो उसका सहारा ले सकते हैं, तो बहुत सारी और भी ऐप्स हैं, अमेरिकन ऐप्स भी हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। आपको फोटो खींचनी होती है उस ऐप के थ्रू और उस ऐप के थ्रू फोटोज जो है उन्हें एक साथ लगा के आप पीडीएफ बना सकते हैं। देन उस पीडीएफ को सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनेगी असाइनमेंट के लिए, ध्यान रखना सब क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनेगी, यानी एक पेपर की एक पीडीएफ बनेगी, उसको आपको अपलोड करना, ठीक है। दो ही क्वेश्चन होने वाले हैं सिंपल से, तो एक पीडीएफ बना दो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपके पीडीएफ बनने वाली है पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, कहां पे अपलोड करेंगे, वही स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आप लोग इसे अपलोड करने करेंगे, आपका काम हो जाए, ठीक है जी। कब तक करना है, जो आपको आखिरी तारीख दी गई है आपकी डेटशीट आपने देखी होगी, उस डेटशीट में जो आखिरी तारीख है उसको शाम को 6 बजे तक आप अपलोड कर सकते हो, उसके बाद मत कीजिएगा वरना अपलोड होगी नहीं, ठीक है। या हो सकता है वो लोग बाद में टाइम बढ़ा दें, तो 6 बजे से पहले पहले आप कोशिश कीजिएगा, 2-3 दिन पहले ही कर दें ज्यादा बेटर रहेगा, उस दिन का इंतजार ना करें। देन आगे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आगे 10th पॉइंट में वो लोग कह रहे हैं, 10th पॉइंट में तो ये चीज है कि आपको अपलोड करना है, ठीक है, और स्टूडेंट डैशबोर्ड पे वो लोग वो चीजें अपलोड हो जाएंगी। 11th पॉइंट में ये पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशली है कि पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे हैं वो क्या करें, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो क्या करें, तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी ऐसा है कि उनको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं बाकी बच्चों के मुकाबले। तो भाई अगर आपको 10 तारीख तक जमा कराना है तो दिव्यांग बच्चों को 13 तारीख तक जमा करवाना होगा अपना असाइनमेंट। अब भाई इनके लिए एक और चीज की गई है कि भाई हो सकता है कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी की थोड़ी दिक्कत हो या और कोई फैसिलिटी की दिक्कत हो सकती है, तो आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए एक सेंटर बनाए गए हैं ड्यू का, जो नॉर्थ कैंपस है जो एसएल का, साउथ कैंपस, इसके अलावा एक और नया सेंटर है इनका कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम में, ठीक है। इन तीनों जगहों पे कंप्यूटर फैसिलिटी है, आप जो दिव्यांग लोग हैं वो वहां पर जाके आंसर शीट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी करवा सकते हैं उनसे और आंसर शीट को वहां पर अपलोड भी करवा सकते हैं। एसओएल के जो वहां पे मेंबर्स बैठे होंगे वो आपकी मदद करेंगे इस काम में, ठीक है जी। और मेन बात ये कि आपकी जो एडमिशन टिकट है वो कहां मिलने वाली है, आपको एडमिशन टिकट कह लो, होल टिकट कह लो, एडमिट कार्ड कह लो, ये मिलेगी आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पर, जो बहुत सारे बच्चों को मिल भी गई होगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, नहीं तो आपकी फी रिसिप्ट पे भी आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, उसी सब्जेक्ट के वही असाइनमेंट आपको करने हैं और अपलोड करनी है। तो आई होप ये सारी गाइडलाइंस थी, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी आपको बात कोई क्लियर नहीं हो रही तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, की कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आपको किसी को ये जो फाइल है ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर लें और आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जो आपके बाकी दोस्त हैं जो परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर, असाइनमेंट को लेकर स्पेशली, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उन लोगों का भी कुछ भला हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।